नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैसे स्टॉक्स जो कोरोना वायरस के साथ साथ वो भी बढ़ते चला जा रहा है। अभी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 52 वीक हाई को टच कर रहे हैं, जबकि और सारे स्टॉक्स जो जनरली है वो 50-60% करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से डायरेक्ट रिलेशन रखता है, जैसे हमारा जो पैरासीटामोल है। अभी जो फिलहाल कोरोना वायरस को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन बोली जाती हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये जो बनाने वाली कंपनियां हैं, ये कंपनियों के शेयर अभी 52 वीक हाई को टच कर रहे हैं। तो कौन सी वैसी कंपनियां हैं जो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बनाती है, जो इंडियन कंपनी है? तो कुल 10 कंपनियों से उससे भी अधिक कंपनियां ये बनाती है, लेकिन जो लीडिंग कंपनियां हैं जो यूएस को अधिकतर माल सप्लाई कर रही है, जो ड्रग्स है हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो सप्लाई कर रही है, ये कंपनियों के स्टॉक्स अभी 52 वीक हाई को टच कर रहे हैं। तो चलिए हम उस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे जिससे कि आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न अभी कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। तो जो हमारी सबसे पहली कंपनी है जो कि हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बनाती है, वो है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। और यूएस को जो माल सप्लाई कर रहा है उसमें कैडिला हेल्थ केयर और डॉक्टर रेड्डीज लिमिटेड एक है। मतलब जो सारी कंपनियाँ यूएस में माल सप्लाई कर रही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की, उसमें से कैडिला हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सारी प्रमुख कंपनियाँ हैं। तो ये जो कैडिला हेल्थ केयर है, अभी आप देख सकते हैं 52 वीक हाई प्राइस, मतलब 52 वीक हाई प्राइस जो ये टच किया है, जो हमारा ये ट्रेडिंग डे है जो हमारा, उसी दिन ये टच किया है। और ये कितना का हाई बनाया है, 374 का हाई बनाया, जो कि ये सेम डे अभी जो हमारा फ्राइडे को क्लोज हुआ मार्केट, मतलब फ्राइडे से पहले हमारा जो बृहस्पतिवार था उस दिन जो मार्केट क्लोज हुआ उसी दिन ये अपना 52 वीक हाई बनाया। अब अगले मॉर्निंग को मार्केट जब खुलेगा, अगले जो मंडे को मॉर्निंग में खुलेगा मार्केट, तो फिर यहाँ से ये स्टॉक्स आगे मूवमेंट दे सकता है। तो ऐसे में आप देखेंगे, अगर आप अपना यहाँ पर अर्निंग करने का कोई चांस बनता है, चाहे आप इंट्राडे करते हो चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को बाय करते हो, तो आप देख लेना और इसमें आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कर सकते हो। लेकिन जैसे कोरोना वायरस ख़त्म होता है तो हो सकता है ये स्टॉक नीचे करेक्ट हो। तो सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर लेनी है, सारे फंडामेंटल्स इसके देख लेने हैं, सारे फंडामेंटल्स आपको खोज लेने हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको सलाह ले लेनी है, तब जाके आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है। और आप चाहते हैं तो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अपना पोजिशन बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 52 वीक हाई 374, इससे मात्र कुछ ही ये नीचे है, मतलब 374 हाई है तो 22 रुपीज़ ये नीचे है। और सेम डे इसी दिन ये हाई बनाया है, हाई बनाने के साथ देख सकते हैं ये मॉर्निंग में जब ओपन हुआ तो अपने हाई पे ओपन हुआ और धीरे धीरे इसका प्राइस देख सकते हैं आप नीचे आ गया। तो इस तरह से ये कैडिला हेल्थ केयर के बारे में आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से ये इतना बिलियन रेवेन्यू की कंपनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप देखिएगा जाइडस हेल्थ केयर इसका जो सब्सिडरी है, यही हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बनाती है, यही जो इसका जो सब्सिडरी कंपनी है जाइडस हेल्थ केयर, यही इसका जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है उसको बनाती है। इस तरह से इसके बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज भी है, तो ये कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। जब तक कोरोना वायरस रहेगा इम्पैक्ट, तब तक इसका जो प्राइस है वो आगे बढ़ता रहेगा, तो इसके प्राइस मूवमेंट का आप फ़ायदा ले सकते हैं। आप दूसरी की जो स्टॉक्स है, दूसरा स्टॉक से हमारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये भी हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बनाती है, तो ये भी स्टॉक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। ये भी स्टॉक्स देख लीजिए, ये 52 वीक हाई कितना बनाया है, ये 3810, तो ये हमारा 3600 के आसपास अभी चल रहा है। तो इसका जो 52 वीक हाई है वो भी आज ही बना है, देख सकते हैं सेम डे ये आज जो क्लोज हुआ है, मतलब पिछले ट्रेडिंग डे को जो क्लोज हुआ है उसी दिन ये भी अपना हाई बनाया है, नया हाई। तो देख सकते हैं ये भी अपने हाई के आसपास ही है, मात्र कुछ ही, मतलब ये देख सकते हैं 3600 के पास है ये इसका प्राइस, और सेम डे ये हाई अपना 52 वीक हाई बनाया है। तो ऐसे में आप देख लेंगे, ये 2% डाउन भी है, इसमें मूवमेंट आगे देखने मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसके अनुसार आप इसमें अपना शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन तभी बनाए जब उसका ग्रोथ आगे हो, ग्रोथ की आगे पॉसिबिलिटी हो। लेकिन जब तक कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, तब तक ये सारी कंपनियां लगातार अच्छे रिटर्न देती रहेगी। तो यहाँ आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज
मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, यहाँ देखते हैं मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये बहुत सारी चीज़ का मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट भी करती है। देखते हैं वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया एंड ओवरसीज, मतलब ये विदेशों में भी जो है सप्लाई करती है मेडिसिन को, तो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जो तीसरी कंपनी है देख सकते हैं एबट इंडिया सेल प्राइस, ये भी अपने 52 वीक हाई पे है। तो देखते हैं हाई जो आज बनाया है लास्ट ट्रेडिंग डे को वो है 18,500 और 52 वीक हाई यहाँ पर देख सकते हैं 18,500। तो जो पिछले ट्रेडिंग डे है उसी दिन ये भी अपना 52 वीक हाई बनाया है, तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे स्टॉक्स में आप शॉर्ट टर्म पोजिशन बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रभाव है अभी लगातार वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है, तो कई सारी कंट्रीज़ को इंडिया जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोवाइड करा रहा है। तो ये सारे जो मेडिसिन है वो बनाते हैं कौन, कैडिला हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डीज लिमिटेड, और ये जो एबेटो इंडिया है ये बनाती है टेस्ट किट, एबेटो इंडिया लिमिटेड ये बनाती है टेस्ट किट। तो आप जो सुने होंगे कि 5 मिनट में जो है वो जांच हो जाता है, जांच करके बता दिया जाता है कि किनको कोरोना वायरस है, मतलब किन में पॉजिटिव है और किन में इन्फेक्शन निगेटिव है। तो ये जो टेस्ट किट बनाती है वो है एबेटो इंडिया लिमिटेड, इसलिए देख सकते हैं ये भी अपने 52 वीक हाई प्राइस पे है, 52 वीक हाई प्राइस पे। तो अगला चलते हैं, अगला स्टॉक से हमारा सन फार्मा, सन फार्मा इसका देख सकते हैं आज हाई बनाया है 473 और जो हमारा इसका 52 वीक हाई है देख सकते हैं 479, ये भी अपने 52 वीक हाई के पास है। तो देखते हैं ये भी 52 वीक हाई के पास है। तो ये सारी कंपनियां जब तक कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है तब तक ये सारी कंपनियां अच्छे रिटर्न देगी, तो शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए आप इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि किस प्राइस पे आपको इंटर करना है और किस प्राइस पे एग्जिट करना है, ये आपको अच्छी तरह से फंडामेंटल रिसर्च कर लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेनी है। तो सारे रिसर्च करने के बाद ही आप इन सारी कंपनियों में शॉर्ट टर्म पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोजीशन किन में बनाना है नहीं बनाना है ये बहुत ही डीप फंडामेंटल रिसर्च की बात है, क्योंकि आगे जब तक कंपनी में ग्रोथ नहीं होगा तो वो स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए आपको उसको अच्छी तरह से फंडामेंटल रिसर्च करनी है। और यहाँ पर आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक मल्टीनेशनल है मतलब बहुत सारे कंट्रीज में अभी जो है हमारा मुख्य रूप से इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में ये अभी मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। तो आप देख ही सकते हैं ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन जो है उसमें ये सारी कंपनियाँ जो फार्मा कंपनियाँ हैं वो सारी मेडिसिन उपलब्ध करा रही है, इसमें अभी आपको बहुत ही अच्छे मूवमेंट देखने मिलेंगे। तो अगला हम सीजर पर चलते हैं, जो अगला स्टॉक से हमारा वो है सिप्ला, तो सिप्ला लिमिटेड देख सकते हैं अभी जो इसका करंट प्राइस है 580 रुपीज़ है और ये जो 52 वीक हाई बनाया है वो कितना है 610 रुपीज़ जो कि ये लास्ट ट्रेडिंग डे ही बनाया है। तो जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उसी दिन ये अपने 52 वीक हाई को टच किया है, मतलब ये अपने 52 वीक हाई के पास ही है इसका प्राइस, देख सकते हैं 610 रुपीज़ 52 वीक हाई है, उसे मात्र 30 रुपीज़ नीचे है, 580 रुपीज़ पे इसका स्टॉक। तो देख सकते हैं सारे जो हमारे फार्मा कंपनीज है वो अपने 52 वीक हाई पर चल रही है। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाते हैं तो ये देख लेना है कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आगे कितने दिन रहने वाला है और ये कंपनियां कितने दिन तक मूवमेंट दे सकती है। तो जितने दिन तक मूवमेंट देगा आपको उससे पहले इसे एग्जिट करना होगा, तो आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो उससे पहले ही आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि उसके बाद वही कंपनियां रिटर्न दे पाएगी जो फंडामेंटली स्ट्रांग होगी। तो आपको ये सारे फंडामेंटल रिसर्च कर लेने हैं, तो आप इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन बना करके अर्निंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोजीशन उसी में बनाना है, उसी स्टॉक में जो कि फंडामेंटली बहुत ही बहुत स्ट्रांग हो, जिसपे किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का साथ साथ उसमें किसी भी सिचुएशन में आगे निकलने की क्षमता हो और किसी भी सिचुएशन को सहने की क्षमता हो, तो उसी स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप फार्मा कंपनी में देख सकते हैं एक तेज़ मूवमेंट देखने मिल रहा है, 13% का एक दिन में तेज़ी देख सकते हैं, 13% का एक दिन में तेज़ी, और यहां से एक मंथ का भी तेज़ी आप देख सकते हैं। एक मंथ में ये 52 वीक अरे एक मंथ में जो लो प्राइस था वो 564 रुपीज़ था और अभी ये चल रहा है कितना पे, 580 रुपीज़ पे।
तो ये सारी कंपनियां जिसमें आप शॉर्ट टर्म पोजीशन बना सकते हैं, या कहें कि अभी जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, जहां सारे स्टॉक्स पिटे हुए हैं, सारे स्टॉक 50% 60% डाउन है, वहीं ये कंपनियां लगातार अच्छा मूवमेंट दे रही है। तो अगला चलते हैं हम, अब आपको हम दिखाते हैं जो 52 वीक हाई को सारी कंपनियां टच कर रही है, उसमें आपको सारे के सारे फार्मा कंपनी ही देखेंगे। देखिए एबट इंडिया लिमिटेड पहला शेयर जो है, पहला जो स्टॉक से हमारा एबट इंडिया फार्मा कंपनी है। उसके बाद एलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड फार्मा कंपनी से है, देखिए एलएमबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, उसके बाद बफना फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि हमने आपको बताया भी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो बनाती है वो है हमारा कैडिला हेल्थ केयर, और डॉक्टर रेड्डीज लिमिटेड। उसके बाद सिप्ला लिमिटेड, उसके बाद देख सकते हैं डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये भी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, देख सकते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो हमारा बनाती है उसमें डॉक्टर रेड्डीज लिमिटेड, और जो हमारा है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड उसमें से एक है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है उसमें से ये दोनों भी मुख्य कंपनियां हैं जो अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोवाइड करा रहा है, मतलब वहाँ सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड है, उसके बाद प्रोडेंटल गोल्ड ETF, ये सारी तो देख सकते हैं अलग अलग अथी है, राज रियान इंडस्ट्री लिमिटेड देख सकते हैं, राज रियान मात्र यही आपको दो कंपनी दिखेगी जो कि फार्मास्यूटिकल से अलग है, जो 52 वीक हाई पे है। एसएन पावर ये तीसरी कंपनी है, उसके बाद ये चौथी कंपनी है जो अलग है, उसके बाद फिर देख सकते हैं लास्ट में टोरंटो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मतलब आपको ये दो चार कंपनियां छोड़ करके जितनी भी कंपनी आप इसमें देख सकते हैं 52 वीक हाई पे है वो है फार्मा कंपनी। तो आपको एक अच्छे मूवमेंट देखने मिलेगा फार्मा कंपनी में, तो आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशन बना सकते हैं। तो आपको जो शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना है तो ये देखना है कि कोरोना का इम्पैक्ट कब तक रहेगा, और जैसे इसका इम्पैक्ट घटता है तो हो सकता है कि ये कंपनियां आगे मूवमेंट आपको नहीं दे पाए तो आपको एग्जिट करना होगा। तो सारे फंडामेंटल रिसर्च कर लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेंगे, ये नहीं हम कह रहे हैं कि फार्मा कंपनी अभी मूवमेंट दे रही है, अपने 52 वीक हाई पर चल रही है तो आप इसमें जाके इन्वेस्ट कर दें, आपको अच्छे से रिसर्च कर लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा।